नमस्कार, नूपगढ़ ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जसप्रीत कौर। हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अलावा अन्य विशेष श्रेणी प्रवासियों का होगा सर्वे। एसडीएम के साथ 9 सहायक प्रभारी लगाए श्री गंगानगर। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के अलावा अन्य विशेष श्रेणी प्रवासियों के लिए सर्वे के लिए उपखंड स्तर पर एसडीएम को प्रभारी नियुक्त किए गए थे। सर्वे के कार्य में सीओ के लिए 9 सहायक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि एसडीएम गंगानगर के सीओ के लिए बीडीओ गंगानगर व आयुक्त नगर परिषद को एसडीएम सूरतगढ़ के सीओ के लिए बीडीओ सूरतगढ़ व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सूरतगढ़ को एसडीएम राइसानगर के सीओ के लिए बीडीओ राइसानगर व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका राइसानगर को एसडीएम कर्णपुर के सीओ के लिए बीडीओ कर्णपुर व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका कर्णपुर व केसरी सिंहपुर को एसडीएम पदमपुर के सीओ के लिए बीडीओ पदमपुर व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पदमपुर व गज सिंहपुर को एसडीएम अनूपगढ़ के सीओ के लिए बीडीओ अनूपगढ़ व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अनूपगढ़ को एसडीएम सादुलशहर के सीओ के लिए बीडीओ सादुलशहर व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सादुलशहर को एसडीएम गढ़साना के सीओ के लिए बीडीओ गढ़साना को तथा एसडीएम विजयनगर के सीओ के लिए बीडीओ विजयनगर एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका विजयनगर को सहायक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रवासी व्यक्तियों को खदान सहायता वन्य विशेष श्रेणियों का होगा सर्वे। जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण अस्थायी रूप से बंद हुए उद्योगों धंधों एवं उसमें कार्यरत कार्मिकों के खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य का वितरण किया जाएगा। इसके लिए प्रवासियों को ई मित्रा पोर्टल पर सर्वे फॉर्म में अपनी जानकारी करनी होगी। यह सुविधा दो तरह के व्यक्ति प्रवासियों को ई मित्रा पोर्टल पर सर्वे फॉर्म में अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी। यह सुविधा दो तरह के व्यक्तियों के लिए, ऐसे व्यक्ति जो कि राजस्थान के निवासी हैं, वे राजस्थान में निवास कर रहे हैं, उनके पास जन आधार कार्ड है तथा वे अपने परिवार NFSA में चयनित नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो कि राजस्थान के निवासी नहीं है, वे राजस्थान में निवास कर रहे हैं, उनके पास जन आधार कार्ड नहीं है तथा वे परिवार NFSA में चयनित नहीं है। स्वीकृत श्रेणियां। कोविड-19 की परिस्थिति के कारण अस्थायी रूप से बंद हुए उद्योग व उसमें कार्यरत कार्मिकों की श्रेणी में हेयर सैलून में कार्य करने वाले कार्मिक, कपड़े धुलाई प्रेस करने वाले, फुटवेयर मरम्मत पॉलिश करने वाले, घरों में साफ सफाई, खाना बनाने वाले, ऐसे व्यक्ति जो चौराहों पर सामान बेचते हैं तथा अपना भोजन किसी स्थान पर पकाकर खाते हैं, रिक्शा ऑटो चलाने वाले व्यक्ति, पान की दुकान चलाने वाले, रेस्टोरेंट होटल में वेटर, रसोइयाँ, रद्दी बिनने वाले, भवन निर्माण कार्यों में निर्माण क्रमिक, कोरोना के कारण बंद हुए उद्योगों में लगे हुए श्रमिक, प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कार्यरत ड्राइवर, कंडक्टर, ठेला रेडी वाले, स्ट्रीट वेंडर जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल न हो, धार्मिक संस्थाओं में पूजा इबादत कर्मकांड एवं धार्मिक कार्य करने वाले व्यक्ति, ऐसे धार्मिक व्यक्ति जो विवाह, निकाह एवं अन्य धार्मिक कार्य संपन्न कराते हैं शामिल हैं। इसी प्रकार मैरिज पैलेस कैटरिंग के कार्य करने वाले कार्मिक, सिनेमा हॉल में काम करने वाले, कोचिंग संस्थानों के सफाई सहायक का कार्य करने वाले, विवाह समारोह आदि में बैंड, ढोल बजाने वाले, घोड़ी वाले, गाने वाले, नगीना आभूषण चूड़ियों के काम में लगे श्रमिक, फर्नीचर के काम में लगे, बुक बाइंडर, प्रिंटिंग प्रेस में लगे, सभी प्रकार की रंगाई पुताई, ड्राइंग कलरिंग आदि के काम में लगे, पर्यटक गाइड का काम करने वाले, कठपुतली का खेल दिखाने वाले, बनाने वाले, ईंट भट्टों में लगे, फूल मालाओं का काम करने वाले, टायर पंक्चर बनाने वाले, पत्तल धोने बनाने में काम लगे, घुमत्तू अर्ध घुमत्तू व्यक्ति, गाड़ियां लुहार, झूले वाले, खेल तमाशा दिखाने वाले, जादू करतब दिखाने वाले, लोक कलाकार, काल बेलिया, मांगनियार इत्यादि, कुली, हमार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, अन्य